गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 नवंबर 2018 को जो मेरे व्हाट्सएप क्यूज ग्रुप पे एफओ मेंस के लिए जो क्यूज हुई थी हॉर्टिकल्चर की, उसका मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लेके आया हूँ। तो आशा करते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। नोटिफिकेशन भी आ गया है और आपने फॉर्म भी फिलअप कर ही दिया होगा। तो आज का जो क्यूज है वो हॉर्टिकल्चर पे है, जो एफओ मेंस की मेंस में 60 क्वेश्चन जो आते हैं उसी पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। तो ये जो क्यूज होती है वो 9:30 PM पे डेली होती है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको लास्ट में एक नंबर दूंगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं आपको ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंगो हाइब्रिडाइजेशन वर्क इन स्टार्टेड इन द ईयर, किस ईयर में मैंगो की हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1911 में मैंगो की हाइब्रिडाइजेशन जो है ये स्टार्ट हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट। पिछले बार क्वेश्चन में क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के बारे में दिया गया था, तो मैं भी यहाँ पे व्हाट्सएप क्यूज ग्रुप में कुछ ऐसे क्वेश्चन डालता हूँ जो एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड हो और वहाँ पे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन वहाँ पे बन जाए। तो यहाँ पे दूसरा जो आंसर है वो फिग है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट फिग। और थर्ड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ क्लस्टरिंग इन मैंगो। जो मैंगो में क्लस्टरिंग होती है उसकी रीजन क्या होती है। तो यहाँ पे इसकी रीजन, यहाँ पे मैंने येलो कलर का कर दिया है जो राइट आंसर है उसके। तो यहाँ पे जो रीजन है क्लस्टरिंग की वो लो टेम्परेचर है। टेम्परेचर लो के कारण जो है मैंगो में क्लस्टरिंग की जो जो प्रक्रिया है वो आ जाती है। टाइप ऑफ फ्रूट इन लीची, लीची काफ़ी कन्फ्यूजन वाला फ्रूट्स होता है। यहाँ पे नट इसका राइट आंसर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं नट जो है नट, ये लीची जो है नट फ्रूट है। सीरियस पेस्ट ऑफ एप्पल सेंजोस स्केल इज इंट्रोड्यूस टू इंडिया फ्रॉम। सेंजोस स्केल जो एप्पल में जो फ्रूट है डिजीज है सॉरी, वो किस कहाँ से आया था इंडिया में। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। एक्जेंथेमा इन सिट्रस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। फ्रेंड्स, सिट्रस मैंगो एप्पल ये जो टॉप जो फ्रूट्स हैं इसके आप प्लीज कवर कर लेंगे इसके वैराइटीज डिफिशियंसी, क्योंकि सिट्रस मैंगो फ्रूट्स इससे क्वेश्चन तो बनना ही है, इससे तो कोई रोक नहीं सकता है इसको क्वेश्चन बनने के लिए। IBPS ये ज़्यादा क्वेश्चन बनाती है सिट्रस मैंगो और बनाना इस पर आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, कॉपर की डिफिशियंसी कारण जो है सिट्रस में आपका एक्जेंथेमा रोग जो है वो डिफिशियंसी कारण जो है सॉरी डिफिशियंसी है ये, तो इसमें कॉपर के कारण जो होती है। रोसिका इज ए वेराइटी ऑफ मैंगो इज डेवलप बाई, जो रोसिका वेराइटी है मैंगो की वो किससे डेवलप किया गया है। इसका राइट आंसर है म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण जो है मैंगो की जो रोसिका वेराइटी है वो डेवलप की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ बनाना इज रेसिस्टेंट टू पनामा विल्ट। ये जो वेराइटी है बनाना की वो कौन सी, जो पनामा विल्ट है जो सीरियस वहाँ पे डिजीज है बनाना की, वो किस इसकी रेसिस्टेंट वेराइटी कौन है। तो यहाँ पे पुवन जो है ये चारों आपकी दी गई है, ये बनाना की वेराइटी है, नेंद्रन रसथली पुवन बैसारी, तो आप इसको देख लेंगे। इसका राइट आंसर है पुवन। SDP इन बनाना इज सस्टेनेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो SDP इन बनाना, बनाना में जो SDP होती है इसके जो सस्टेनेबल है ये फिंगर टिप डिजीज। SDP इन बनाना इज सस्टेनेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो SDP जो बनाना में करते हैं इसके फिगर टिप डिजीज को रोकने के लिए बनाते हैं। बीटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन सिट्रस लिमोनिन इसका राइट आंसर है। जो सिट्रस में जो बिटरनेस होती है वो लिमोनिन के कारण होती है। सीडलेस वैरायटी ऑफ एसिड लाइम, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन एक बार चक्करधर जो इसकी राइट आंसर है ये पूछी जा चुकी है। आप बैक वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे तो चक्करधर की जो वैरायटी है लाइम की, एसिड लाइम की, वो पूछी जा चुकी है। इसका राइट आंसर है सीडलेस वैरायटी ऑफ। फिर ग्रेप इज ए क्या है, ये डीप फीडर है, मॉडरेट फीडर है, सैलो फीडर है, टॉप फीडर है। प्लीज़ आप फ्रेंड जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने एनालाइज कीजिए कि मैं कहाँ तक हमारी जो प्रिपरेशन है वो हो पाई है। यदि आपकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर से ज़रूर आप वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। तो ग्रेप जो है सैलो फीडर क्रॉप है। वो फ्रूट पूसा चिकनी इज ए वेराइटी ऑफ, पूसा चिकनी जो वेराइटी है वो किसकी है, तो स्पॉन्ज गार्ड की है। ये जो छोटी छोटी वेराइटी होती है ना ये बहुत क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, इसके आप तैयार रखेंगे।
लिनोनिन इज ए प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, लिनोनिन जो होती है लिनालॉल इन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, इसकी कोरिएंडर में जो लिनालॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। TSS कंटेंट इन पाइन एप्पल एट मैच्योरिटी, जो TSS कंटेंट होती है पाइनएप्पल में वो मैच्योरिटी के समय कितनी होती है, तो 16 से 18 इसकी होती है। रोटिंग डेट काउज ए स्टोरेज ऑफ पोटैटो, जो सड़न होती है वो सॉफ्ट रूट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्लाइरेंट सीड, तो इसकी मैंगो की जो होती है रिक्लाइरेंट सीड होती है इसकी। द ऑरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो इज साउथ अमेरिका, इसकी जो पोटैटो की ऑरिजिन प्लेस है वो साउथ अमेरिका है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन पोटैटो 22% जो है कार्बोहाइड्रेट पोटैटो में पाई जाती है। मैंगो वैरायटी हैविंग स्टोरेज फ्लेवर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर सॉरी इसमें लंगड़ा एक वैरायटी है जिसकी जो फ्लेवर है वो काफ़ी अधिक है, इसकी फ्लेवर स्ट्रांग होती है। यह वैरायटी मैंगो की कब आती है और किस समय आती है, या लास्ट वैरायटी कौन होती है मार्केट में, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पाइनएप्पल वैरायटी सुटेबल फॉर कैनिंग, कैनिंग के लिए कौन सी पाइनएप्पल की वैरायटी है जो कैनिंग की जाती है, डिब्बाबंदी जो होती है उसकी की जाती है, तो क्यू जो है पाइनएप्पल की एक वैरायटी है जो कैनिंग के लिए काफ़ी फेमस है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, जो राइबोफ्लेविन की रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो इसकी बेल, हम लोग बेल को इग्नोर करते हैं कि कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट वहाँ पे आपको देखना है। फिर रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, आयरन की जो सबसे ज़्यादा जो कहाँ पाई जाती है, तो ड्राई कनोला में करौंदा में। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाइमेट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट, बनाना जो है क्लाइमेट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट, ऑल ऑफ दिस जो है इसमें कोई भी नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट नहीं है। फर्स्ट कमोडिटी ऑफ विच ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स वेयर फ्रेम्ड इज, कौन सी जो कमोडिटी है जिसपे ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग रूल जो है फ्रेम की गई थी, बनाई गई थी, तो ग्रेप है जो उसकी ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, जो वहाँ पे मार्केटिंग होती है उसकी ग्रेडिंग की जाती है, तो वहाँ पे ग्रेप पे सबसे पहले बनाई गई थी। एलिफेंट फुट यम, ये जो रिच सोर्स ऑफ विटामिन, किस विटामिन एलिफेंट फुट यम में कौन सा विटामिन जो है ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर है ए एंड बी, विटामिन ए और विटामिन बी जो है एलिफेंट फूड याम में सबसे अधिक होती है। स्टोरेज टेम्परेचर फॉर बनाना, जो बनाना को हम लोग किस स्टोरेज पे, किस डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्टोरेज करते हैं जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक स्टोर हो और मार्केट में अवेलेबल हो, जिससे कि हमारी मार्केटिंग और किसानों की फ़ायदा ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पे जो बनाना की स्टोरेज टेम्परेचर है वो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको स्टोर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो आपको यदि वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक करेंगे, मैं कम से कम इस पर 200 लाइक तो चाहता हूँ फ्रेंड्स, 200 लाइक प्लीज़ आप कर कीजिए इसको। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप क्यूज ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, जहाँ पे हम डेली क्यूज लेके आते हैं, करंट अफेयर्स लेके आते हैं और स्कीम की जितने भी जानकारी है वहाँ पे हम लेके आते हैं फ्रेंड्स। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे काफ़ी नॉइज होती है, इस कारण मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसके लिए सॉरी। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप क्यूज ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन कर दूंगा, बट यहाँ पे आप नंबर लिख लेंगे 9199284565। काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो हैं ये हमें जानते भी हैं कि सर का क्यूज चलता है व्हाट्सएप पे, मैं एक घंटा आप कर लूँगा, ज़्यादा टाइम टेक नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी है प्रीलिम्स की भी, तो प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटा भी मेहनत करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो क्लियर हो सके। सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं, आपको ओवरऑल कट ऑफ भी आपको उसको आपको करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताना हूँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एग्री एग्जाम गुरुजी चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की जो वीडियो है, आगे की जो PDF है, उसकी मैं आपको जानकारी इसके माध्यम से आपको दे सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, जय जवान जय